हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक मार्वल कंटेस्ट ऑफ चैंपियन के एक नए गेम प्ले वीडियो में। ये कोई आज फाइट नहीं होगी, आज आ चुका है गिफ्टिंग इवेंट। तो भाई ये इनसेन होने वाला है, इनसेन रिवॉर्ड्स होने वाले। पहले मेरे को गिफ्ट रिसीव्ड करने हैं, यहाँ पे गिफ्ट रिसीव्ड कर लेता हूँ मेरे को अलायंस में। हम क्या कर सकते, ओके सबसे पहले एक चीज़ आई है, गिफ्टिंग इवेंट आर कमिंग, तो हमें ये क्लेम करना है तभी हम गिफ्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको क्लेम कर लेते हैं। दो चीज़ें और हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रखती है, आप किसको गिफ्ट कर सकते हो और किसको गिफ्ट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, वो ये बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे गिफ्टिंग इवेंट एक अलायंस में आया है इवेंट में, एक सोलो इवेंट में आया है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट करने हैं अपने अलायंस में, ताकि आपका अलायंस रैंक करे ज़्यादा से ज़्यादा हायर पे। देखो यार, पहले आपको टॉप रैंक रिवॉर्ड्स, मैं आपको माइलस्टोन की रिवॉर्ड्स बता देता हूँ। 50 पे इतना मिलेगा, सोलो इवेंट में आपको ये सब रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी इनसेन रिवॉर्ड है, काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड है। 5 स्टार 6 स्टार की 5000 शार्ट्स हैं। रैंक रिवॉर्ड तो भाई ऑसम है, मतलब मैं क्या बोलूँ, इससे तगड़े रिवॉर्ड आज से पहले मेरे को लगता नहीं है मार्वल ने कभी दिए होंगे, कबाम ने कभी दिए होंगे। आपको वॉल्वरिन एक्स, क्या नाम है इसका, वॉल्वरिन जो भी नाम है, वॉल्वरिन एक्स मिलता है शायद से, यही है इसका नाम। ओके, आपको वेपन एक्स, वॉल्वरिन वेपन एक्स मिल रहा है, वो भी 6 स्टार में भाई। अगर आपका अलायंस 1 से लेकर 30 के बीच में आता है, ये मिल रहा है आपको, वेपन एक्स मिल रहा है 6 स्टार का, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है गाइज। और यहाँ पे एबिस नेक्सस क्रिस्टल मिल रहा है, मतलब कोई भी क्लास का नेक्सस क्रिस्टल खरीद लो, उसमें आपको 10 ऑप्शन मिलेंगे चैंपियन चूज करने का। एक 6 स्टार का बेसिक जेम मिल रहा है, अवीकनिंग जेम मिल रहा है। यहाँ पे 6 स्टार के आपको सिग्नेचर स्टोन मिल रहे हैं 2, जो कि 100 लेवल पुश करेंगे सीधे। 3 से 4 का आपको रैंक अप जेम मिल रहा है, 2 से 3 का और 1 से 2 का, मतलब 4th का आराम से रैंक अप कर सकते हो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट अपने अलायंस में ही देने हैं। दूसरा रैंक रिवॉर्ड ये है 31 से 60 के बीच में, 61 से 90 के बीच में, ये है रिवॉर्ड्स, जो कि 91 से 120 के बीच में काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड हैं। 121 के 300 के बीच में भी अच्छे रिवॉर्ड है भाई, ये कोई गंदे रिवॉर्ड नहीं है। 1 से लेकर 5% के बीच में भी ये भी बहुत अच्छे रिवॉर्ड है। यहाँ पे आपको 50% टायर 5 क्लास कैटलिस्ट फ्रैगमेंट सेलेक्टर मिल रहा है, 10,000 6 स्टार की शॉर्ट्स मिल रहे हैं, नेक्सस मिल रहा है, T5 का बेसिक मिल रहा है, 3 T2 Alpha 6 मिल रहे हैं भाई, इनसेन 6 से 10% के बीच में अगर आते हो, ये रिवॉर्ड आप लोगों ने तो पता चल ही गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने अलायंस मेट के साथ में ट्रेड करो, अलायंस में ट्रेड करो, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अलायंस में ट्रेड करो, क्योंकि अलायंस रैंक अप करेगा तो आपको रैंक रिवॉर्ड ज़रूर मिलेंगे। फ्रेंड्स के साथ, अब देखो यार, फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स आपके हो सकता है अलायंस में ना हो, तो आपको एक ही तीर से 2 निशाने लगाने हैं। यहाँ पे अपने अलायंस में करो, फ्रेंड्स भी आ जाएंगे और साथ में साथ अलायंस भी रैंक अप करने लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग अलायंस इवेंट जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, मैंने अभी तक डोनेट नहीं किया है, अभी तक मैंने कोई भी गिफ्ट नहीं किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे अलग से रिवॉर्ड है इसमें अलायंस में, अगर रैंक रिवॉर्ड्स पे जाते हो आप लोग। पता नहीं मुझे यहाँ पे हम यूनिट्स अगर दे सकते हो तो मैं ज़रूर, जो भी मेरे हाथ में बन सकता है, मैंने जैसे प्रॉमिस किया आप लोगों को, मैं ज़रूर आप लोगों को करूँगा, यहाँ पे आज ही करूंगा, अभी करूंगा, इसी वक्त करूंगा। आप लोग यहाँ पे रैंक रिवॉर्ड देख लो, ये 2 मेन चीज़ें बहुत ही इनसेन है, बहुत तगड़े रिवॉर्ड है इसमें। सबसे पहले यहाँ पे जिन जिन को मैंने प्रॉमिस किया है यहाँ पे मैं गिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने उनको दोस्त बनाना है एंड उसके बाद में मुझे आपको गिफ्ट भी करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे यूनिट्स खर्चने हैं मुझे हर किसी चीज़ के लिए, तो यहाँ पे मैं यूनिट्स खर्चूंगा एंड वहाँ पे आपको यहाँ पे सीधा सीधा रिवॉर्ड गिफ्ट हो जाएगा। तो मैंने प्रॉमिस किया था 10 से 15 लोगों को मैं गिफ्ट करूंगा एंड मुझे लगता है मैं 1500 यूनिट यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ। करीबन 12,000 है, तो मेरे ख्याल से 10-9,000 तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, देखते हैं कितना हो सकता है मेरे से गिफ्ट, कितना मैं कर सकता हूँ। पहले मेरे को यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे गाइज, अब देखो यार, बुरा मत मानना, क्योंकि यार मैं 10 से 15 को ही करने वाला हूँ, वो भी रैंडम है यार, मैं किसी को भी अपना मतलब अपना समझ के नहीं कर रहा हूँ, मैं सब रैंडम को उठाने वाला हूँ। तो प्लीज़ गाइज यहाँ पे बुरा मत मानना। तो अब जितनों को भी करूँगा वो लिखी है भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सबको नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जिनको भी करूँगा 100-100 यूनिट सबको करने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से देखो 15 बंदे मेरे को चूज़ करने हैं, मैं कोई भी बंदे उठा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने स्क्रॉल कर दिया, ड्रैगन गोकू मैं इसे कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ,
मैं इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके इसको गिफ्ट करता हूँ यहाँ पे ड्रैगन गोकू को, एंड देन उसके बाद मैं सारी ट्रेड अपने अलायंस के साथ ही करने वाला हूँ। 10 से 15 लोगों के साथ मैं ट्रेड करने वाला हूँ। सेंड गिफ्ट 100 यूनिट्स, मिनिमम 100 यूनिट्स मैं सेंड करने वाला हूँ यहाँ पे इन्हें। एंड प्रीमियम हीरो क्रिस्टल यहाँ पे एक भेजता हूँ, एंड देन अनकलेक्टेड गोल्डन क्रिस्टल मैं इन्हें एक ही भेजता हूँ। ये हो गए 100, एंड देन अब ड्रैगन गोकू को मैंने सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स में, अलायंस में हटाओ, फ्रेंड्स में यहाँ पे चलते हैं। ड्रैगन गोकू है, सबको नहीं भेजना है भाई, सबको नहीं भेजना है, मेरे को कंगाल मत करो तुम। यहाँ पे आ गए ड्रैगन गोकू, तो मैं इसे यहाँ पे पूरा कंफर्म कर देता हूँ। 100 यूनिट मैंने दे दिए, मैंने गिफ्ट सेंड कर दिया है यहाँ पे। अब मुझे करो ना करो, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था तो मैं आप लोगों को ज़रूर करूँगा। एंड यहाँ पे गाइस मैं रिमूव भी करते जा रहा हूँ, यहाँ से रिमूव फ्रेंड भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी फ्रेंड लिस्ट फुल नहीं करनी है, देन दूसरों को मौका नहीं मिलेगा, तो मैंने इन्हें रिमूव कर दिया है। अब जाके हम दूसरा कोई चूज करते हैं। स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड मैं करना चाहता हूँ हैवॉक 7499 को, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इन्हें कर रहा हूँ मैं गिफ्ट 100 यूनिट अपने। तो यहाँ पे 100 यूनिट इन्वेस्ट करते हैं, और शायद से हैवॉक को करना था नाम है, वो भी आने वाला था गिफ्ट हॉलीडे गिफ्टिंग इवेंट, मुझे नहीं पता शायद से कल से स्टार्ट हो जाए वो, मुझे नहीं पता क्योंकि अभी तो नहीं आया है, कल से शायद आ जाए। तो हैवॉक को मैंने यहाँ पे गिफ्ट कर लिया है, यहाँ पे इन्हें रिमूव कर देते हैं फ्रेंड से। ओके तो गाइज अब मैं यहाँ पे गिफ्ट करने वाला हूँ अभी को, अभी 4444 इन्हें मैं गिफ्ट करने वाला हूँ, जिनका यहाँ पे ये किसकी ग्रैंड मास्टर की पिक है या जो भी कलेक्टर है, जो भी है मुझे नहीं पता, इन्हें मैं गिफ्ट करने वाला हूँ। इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं अभी की, एंड इन्हें भी 100 यूनिट हम यहाँ पे गिफ्ट कर देते हैं। गाइज हम अभी को यहाँ पे करने वाले हैं गिफ्ट सेंड, मैं यहाँ से गिफ्ट सेंड कर दिया है, 300 यूनिट हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब चलते हैं दूसरे पे, ये कन्फर्म नहीं हुआ क्या? ओके गाइज इन्हें, ओके गाइज देखो मैं यहाँ से कन्फर्म कर रहा हूँ, अनेबल टू सेंड गिफ्ट फॉर द टू द फॉलोइंग प्लेयर, इन्हें शायद से गिफ्ट नहीं जा पा रहा, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, बट मैं नहीं कर सकता इन्हें सेंड, तो हम क्या कर सकते हैं, आप दूसरा फ्रेंड ढूंढ लेते हैं, दूसरे को किसी को डोनेट करते हैं, डोनेट नहीं मतलब एक्चुअली गिफ्ट करते हैं। ओके तो गाइज मैं श्रीकांत को यहाँ पे गिफ्ट कर रहा हूँ, श्रीकांत की एक्सेप्ट कर लेते हैं, श्रीकांत को मैं गिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पे 100 यूनिट। हम कर रहे हैं ट्रेड, ये आ गए श्रीकांत, 3 प्लेयर हो चुके हैं, हमने 300 यूनिट यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिए हैं। अब हटाते हैं इन्हें, एंड अब चलते हैं दूसरे फ्रेंड लिस्ट पे, दूसरे फ्रेंड पे चलते हैं। ओके तो गाइज अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ गिफ्ट Alex01 को, तो मैं इन्हें गिफ्ट कर रहा हूँ, जल्दी से इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, एंड इन्हें भी 100 यूनिट गिफ्ट कर लेते हैं। ये फोर्थ प्लेयर है हमारे जिन्हें हम गिफ्ट कर रहे हैं फ्रेंड पे, एंड Alex01 आ चुका है यहाँ पे, तो इन्हें कन्फर्म करते हैं, कन्फर्म क्यों नहीं हो रहा। ओके तो यहाँ पे मैं एलेक्स को कन्फर्म कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे हमने इन्हें भी शायद से यू सेंड 2 आइटम्स टू एलेक्स, ओके तो हमने इन्हें भी यहाँ पे भेज दिया है अपना गिफ्ट। अब मुझे नहीं पता ये शायद से लॉगिन नहीं करते हैं, तो जल्दी से चलते हैं दूसरे पे, एंड दूसरे को गिफ्ट करते हैं। ओके तो गाइज अब जो जिनको मैं गिफ्ट करने वाला हूँ उनका नाम है Sub0007, इन्हें मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, तो चलते हैं इनकी भी एक्सेप्ट करते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट को, एंड इन्हें भी गिफ्ट करते हैं जल्दी से। ओके तो गाइज ये रहा Sub0, एंड इन्हें करते हैं कन्फर्म, तो इन्हें भी भेज दिया हमने, जब भी ये साइन इन करेंगे इन्हें मिल जाएगा गिफ्ट। जल्दी से चलते हैं दूसरे बंदे पे, 4-5 बंदे हो चुके हैं। तो गाइज अब जिन्हें मैं गिफ्ट करने वाला हूँ वो है Stranger_OP, इन्हें मैं करने वाला हूँ गिफ्ट, इनकी प्रोफाइल है गोस्ट राइडर की, तो जल्दी से करते हैं इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, एंड इन्हें भी हम गिफ्ट करते हैं जल्दी से 100 यूनिट अपने। प्रीमियम हीरो क्रिस्टल 1-1 ये हो गया, एंड यहाँ पे चले जाते हैं। ओके इनका नाम था Stranger007, तो स्ट्रेंजर को ढूंढते हैं, ये रहा Stranger_OP, तो यही थे। ओके इन्हें कंफर्म करते हैं यहाँ पे, तो जब भी ये साइन इन करेंगे इन्हें मिल जाएगा, आई थिंक ये साइन इन है पहले से ही है, लॉगिन इन्होंने किया हुआ है, जल्दी से रिमूव करते हैं फ्रेंड का, एंड दूसरे फ्रेंड पे चलते हैं हम। ओके तो गाइज अब जिन्हें मैं करने वाला हूँ गिफ्ट वो है Frost Mob Jr, जिनका 7 यहाँ पे प्रोफाइल अगर आप लोगों को दिखा दूँ मैं, तो ये रही इनकी प्रोफाइल, इनको मैं गिफ्ट करने वाला हूँ, तो चलते हैं यहाँ पे इनकी करते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, एंड बढ़ते हैं आगे, इन्हें भी गिफ्ट डालते हैं जल्दी से 100 यूनिट के यहाँ पे। ओके ओके तो गाइज ये रहा Frost Mob Jr, इन्हें भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कन्फर्म, तो हमने इन्हें भी अपने यहाँ पे भेज दिए हुए हैं, तो अब चलते हैं दूसरे पे, एंड इन्हें भेजते हैं, करते हैं इन्हें रिमूव। ओके तो चलते हैं दूसरी रिक्वेस्ट पे, एंड देखते हैं किसको करना है।
अब जिन्हें मैं करने जा रहा हूँ उनका नाम है एजेंट डैश AK, तो इन्हें इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड इन्हें भी हम जल्दी से गिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ 100 यूनिट यहाँ पे डाल देते हैं, फ्रेंड लिस्ट में चलते हैं। एजेंट AK नाम था इनका। आई डोंट नो कि इस नेट क्यों स्लो चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गेम क्रैश कर रही है, मेरा नेट ही स्लो चल रहा है। ओके तो गाइज एजेंट AK को भी कंफर्म करते हैं, तो मैंने इन्हें भी कंफर्म कर दिया, चलते हैं दूसरे फ्रेंड पे। एंड तो गाइज अगला जो फ्रेंड है वो है Tony-7255, इन्हें जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड इन्हें भी जल्दी से गिफ्ट करते हैं हम अपना जो इनका गिफ्ट देना है इन्हें 100 यूनिट का। तो चलते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे हो गया ये, एंड अभी तक मैं 9 लोगों को गिफ्ट कर चुका हूँ, जल्दी से मेरे को 6 और को करना है यहाँ पे। ये रहे टोनी एंड इन्हें भी कंफर्म कर देते हैं हम, भेज दिया हमने इन्हें भी गिफ्ट, चलते हैं दूसरे खिलाड़ी पे, दूसरे प्लेयर पे। ओके तो गाइज एटॉमिक डैगर मैं इन्हें करने वाला हूँ अब जाके ये गिफ्ट, तो जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड इन्हें भी हम जल्दी से भेजते हैं यहाँ पे एटॉमिक डैगर को गिफ्ट। तो यहाँ पे आगे यहाँ पे कर लेते हैं एक्सेप्ट, नेक्स्ट करते हैं। एंड अभी तक मैं अपने 900 यूनिट्स खर्च चुका हूँ, मतलब कि 9 बंदों को मैं दे चुका हूँ। यह एटॉमिक डैगर जो है ये 10वां बंदा है, इसके बाद 5 और बंदों को मैं गिफ्ट करने वाला हूँ एंड देन सारी ट्रेड में अपने अलायंस के साथ करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अलायंस को भी आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे जल्दी से चलते हैं दूसरे प्लेयर पे। ओके तो गाइज अब जिन्हें मैं करने वाला हूँ ट्रेड, जिनके साथ ट्रेड करने वाला वो है इनविंसिबल देव, तो इन्हें भी जल्दी से भेजते हैं एंड उसके बाद में देखते हैं किसको करना है हमें। जल्दी से इन्हें भी गिफ्ट भेजते हैं एंड जल्दी से इन्हें भी फ्री करते हैं। ये 11वां बंदा है, 1100 यूनिट अभी तक खर्च चुका हूँ मैं। भाई इस यूनिट्स को कमाने में मेरी 1 महीने की मेहनत है, तो गाइज यहाँ पे बहुत मतलब समझ सकते हो कि कितनी मेहनत लगी होगी इन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए एंड मैसेज भी अभी लोगों को करने हैं। इनविंसिबल देव जल्दी से इन्हें भी कंफर्म करते हैं, इन्हें भी भेज दिए हमने आइटम जो भेजने थे हमें एंड जल्दी से बढ़ते हैं आगे एंड बाकी को भेजते हैं जिन्हें भेजने हैं। अगले जो जिनको मैं गिफ्ट करने वाला हूँ वो है MadBoy19, इन्हें मैं गिफ्ट करने वाला हूँ, इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं जल्दी से इन्हें भी फ्रेंड बना के एंड इन्हें भी गिफ्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे 100 यूनिट्स। ओके ये हो गए 12 मेंबर्स को मैं अभी तक कर चुका हूँ, 1200 यूनिट यहाँ पे हो चुके हैं, ये 12 है। ओके तो गाइज कंफर्म करते हैं यहाँ पे, मैंने MadBoy0 को भी यहाँ पे सेंड कर दी है इनकी गिफ्ट। अब चलते हैं दूसरे प्लेयर पे। अगला जो गिफ्ट करने वाला हूँ गाइज वो है Sameer1001024, इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं जल्दी से, इन्हें भी गिफ्ट करते हैं 100 यूनिट अपने। 13 मेंबर है ये हमारे, 13वें बंदे हैं जिन्हें हम अपना गिफ्ट सेंड कर रहे हैं, जल्दी से कंफर्म करते हैं एंड बढ़ते हैं। अभी 2 और बचे हैं, 200 यूनिट और मेरे को स्पेंड करने हैं यहाँ पे। तो अब जिन्हें मैं यहाँ पे सेंड करने वाला हूँ वो है कूल गाइस, इनको मैं यहाँ पे गिफ्ट सेंड करने वाला हूँ। तो जिन्होंने मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मैंने पहले ही कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया था, जिन्होंने मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है मैं उन्हीं को गिफ्ट करने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पे चलते हैं गिफ्टिंग इवेंट पे, गिफ्ट करते हैं इन्हें जल्दी से 100 यूनिट एंड ये 14th मेंबर है। इसके बाद में हम लास्ट एक और को यहाँ पे करने वाले हैं, आई डोंट नो कि वो कौन होने वाले हैं बट जो भी होंगे रैंडम होंगे, मैं रैंडम को चूज करके यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ अपने यूनिट्स। ओके तो गाइज आखिरी मेंबर जो होने वाले जिन्हें मैं गिफ्ट करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता कौन होने वाले बट मैं रेटिंग और साथ में उनकी नाम पढ़ रहा हूँ, अगर मुझे कोई भी रिमेंबर आता है जिन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी मैं ज़रूर उन्हें सेंड करूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं रेटिंग के साथ देख रहा हूँ कि नहीं गिफ्ट करना चाहिए। ओके तो गाइज आखिरी जो मेंबर होने वाले हैं जिन्हें मैं गिफ्ट करने वाला हूँ वो है Vijay615, इन्हें जल्दी से करते हैं एक्सेप्ट एंड इन्हें करते हैं हम गिफ्ट। लास्ट मेंबर होने वाले हमारे जो गिफ्ट करने वाले हैं हम, तो गाइज ये रहे विजय, इन्हें गिफ्ट करते हैं जल्दी से, चलते हैं यहाँ पे एंड ये किया हमने यहाँ पे सिलेक्ट एंड कन्फर्म। तो 1500 यूनिट हमने खर्च लिए हैं यहाँ पे, 1500 यूनिट मैंने इन्वेस्ट कर दिए हैं, 1500 यूनिट बहुत मायने रखते हैं, मेरे 1 महीने की मेहनत है। आप लोगों को समझ पा रहे होंगे कि भाई अरीना में कितने ही यूनिट मिलते हैं। हो सके तो प्लीज़ इस गेम पे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलूंगा जल्दी एक नए
वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। अब मैं ट्रेड करने वाला हूँ अपने अलायंस के साथ ही। तो गाइज यहाँ पे 1500 यूनिट मैंने इन्वेस्ट कर दिए, 1500 यूनिट मैंने गिफ्ट किए हैं, प्रॉमिस किया था वो फुलफिल कर लिया है। आप मेरे को वापस करो या ना करो कोई बात नहीं, आप अलायंस के साथ ट्रेड करो, मैं अपने अलायंस के साथ ट्रेड करने वाला हूँ अब पूरा का पूरा ये 14 दिन। तो मिलूंगा, और जिनको भी मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया है उनको मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यार मैंने बोला था मैं रैंडम उठाऊंगा एंड मैंने रैंडम ही उठाया सच में। तो मिलूंगा जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।